हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर कॉलीफ्लावर के बारे में। अरे क्या हुआ, आपको नहीं पता? ये दूसरे चार्ली चैपलिन का नाम पहले मिस्टर कॉलीफ्लावर या मिस्टर व्हाइट पढ़ने वाला था। और क्या तुम्हें पता है, मिस्टर बीन यानी कि रोवन एटकिंसन को सिर्फ एक बीमारी होने की वजह से उन्होंने ये साइलेंट कॉमेडी करना शुरू किया। और इनफैक्ट उस बीमारी के होने की वजह से उन्हें कई ब्लॉकबस्टर मूवीज से रिजेक्ट भी किया गया था। और आज की बात करें तो एज यू ऑल नो इट, ये एक ऐसे मुकाम पे है कि एक अरबपति बन चुके हैं। एनीवे फ्रेंड्स, मजाक साइड में आई एम श्योर आपने 2017 के दिमाग हिला देने वाली रिपोर्ट तो बिल्कुल पड़ी होगी। वेल, इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि एक स्टंट के शूटिंग के दौरान एक कार एक्सीडेंट में मिस्टर बीन की अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई थी। क्या ये बात सच है? क्या मिस्टर बीन वाकई में आज हमारे बीच नहीं है? वेल, आप सभी के साथ मैं भी ये पर्सनली जानना चाहता हूँ। सो चलो साथ में मिलकर ये वीडियो को एंड तक देखते हैं। Let's get on in our today's video titled How Does Mr. Bean Live His Life? Number one, name of show Mr. Bean. क्या आपको पता है, एक टाइम ऐसा भी था जिसमें मिस्टर बीन को लोग सच में एलियन समझते थे, क्योंकि इस शो की शुरुआत असल में कुछ ऐसे ही हुई है। अब सवाल ये आता है कि शो का नाम मिस्टर बीन ही क्यों पड़ा? आई मीन काफी वियर्ड सा नाम है, राइट? मिस्टर बीन। सो वेल, हुआ यूं कि शो में मिस्टर बीन को सबसे पहले मिस्टर व्हाइट नाम दिया जा रहा था, लेकिन इस शो के लोगों को ऐसा लगा कि नाम थोड़ा सा और फनी होना चाहिए, और इसीलिए नाम को बाद में रीराइट करके मिस्टर कॉलीफ्लावर लगाया गया। अब अगर इसे हिंदी में बोले तो श्रीमान गोभी, लेकिन ये नाम भी उनके कैरेक्टर पर थोड़ा सा फीका लग रहा था। और आगे चल के शो के एंड मोमेंट पे डायरेक्टर साहब का थोड़ा दिमाग चला। उन्हें अचानक आउट ऑफ द ब्लू से मिस्टर बीन का नाम सूझा और उन्हें तुरंत वो नाम चेंज करके फूल गोभी से मिस्टर बीन रख डाला। और आज इस शो के बंद हो जाने के बाद भी अभी तक इसके पुराने एपिसोड्स बच्चों से लेके बूढ़े सभी लोग मिलजुल के देखते हैं। नंबर टू, करियर एजुकेशन एंड बैकग्राउंड। अब फ्रेंड्स, रोवन एटकिंसन की कहानी के लिए मैं बस सिर्फ दो लाइन कहना चाहूंगा। लोग तब भी हंसते थे और लोग अब भी हंसते हैं, लेकिन तब बात कुछ और थी और अब बात कुछ और है। वेल फ्रेंड्स, बात तो कुछ ये है कि रोवन को हकलाने की बीमारी थी, वो जो बीमारी होती है जिसमें आप स्लोली कोई वर्ड को बोलते हो, और उसकी वजह से बचपन से लेके एडल्टहुड तक इनका काफी मजाक उड़ाया जाता था। एंड कैन यू इमेजिन इट, उन्होंने इसी बीमारी के वजह से, हकलाने की वजह से अपना करियर बना डाला। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, वो हकलाते थे तो उन्हें लोगों को एंटरटेन करने का कोई और तरीका ढूंढ के निकालना पड़ा, और मजे की बात तो ये है कि उसी में उनका टैलेंट छुपा हुआ था दोस्तों। और लोगों की खिल्ली उड़ाने की आदत को उन्होंने अपनी सफलता का हथियार ही बना लिया, और वो बचपन से ही अजीबोगरीब आवाजें निकालने के साथ साथ अजीबोगरीब मुंह बनाने का टैलेंट भी सीखने लग गए थे। और इसे देखकर उसके फ्रेंड्स खूब हंसा करते थे, और उन्हें हंसता देख रोवन को काफी मजा आता था। मतलब अपना खुद का मजा होते हुए देख भी उस पर हंसना एक बड़ी बात है, है ना? इनफैक्ट वो हरदम ट्राई करते थे कि वो हर किसी वर्ड को एक अलग ही अंदाज में बोल के निकाले, उसे अलग तरीके से प्रोनाउंस करे, लेकिन इतना मजाक करने के बाद भी इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो एक कॉमेडियन बनना चाहते थे। रोवन हमेशा से एक इंजीनियर बनना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज में एडमिशन तक लिया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वेल, इस कॉलेज में रोवन की मुलाकात ब्रिटिश टीवी शो के जाने माने राइटर और डायरेक्टर रिचर्ड कॉटेज से हुई, और बस यही वो पल था जब रोवन की लाइफ ने एक अलग ही मोड़ ले लिया, क्योंकि रिचर्ड ने ना सिर्फ उन्हें इंस्पायर किया पर उन्हें उनके इस टैलेंट से भी रूबरू कराया। आई मीन आपके अंदर इतना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है और वो आपको ही नहीं पता, और कोई और देखकर वो बता रहा है। और तब चलकर रोवन ने बीबीसी के एक प्रोग्राम नॉट योर 9 o'clock न्यूज से अपना सबसे पहला एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस शो में वो किसी भी एक्टर की मिमिक्री करते थे, एंड कैन यू इमेजिन इट, अपने इस फर्स्ट शो के लिए ही रोवन को दी मैन ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ साथ इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले। और अपनी इसी सफलता के बाद रोवन अपना एक्टिंग में करियर बनाने की सोच चुके थे, लेकिन अभी भी इनका रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके हकलाने की बीमारी इनके एक्टिंग करियर में रोड़ा बन के खड़ी थी। सो फ्रेंड्स, जरा सोचो रोवन ने क्या किया होगा। डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन करवाया। वेल, नहीं नहीं, बल्कि और ज्यादा हकलाने लगे।
थिमक से और उनकी ये बीमारी उनकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन गई। और बस तब वो पल था जब उन्होंने साइलेंट कॉमेडी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। साइलेंट कॉमेडी मतलब बिना कुछ बोले लोगों को हंसाना, और उसमें उन्होंने सबसे पहले कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी जिसमें से बॉडी लैंग्वेज के जरिए कॉमेडी एक्टिंग करके लोगों को हंसाया। और फिर उन्होंने अपने ही कॉलेज में अपने ही द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट्स पे परफॉर्म भी किया, और अब उनकी यही एक्टिंग को देखकर लोग धीरे धीरे उनके दीवाने बनने लगे। मतलब ऐसे दीवाने कि कई सारे टीवी शोज ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया और उन्हें ऑफर्स देना तक शुरू कर दिया। और इसी दौरान उन्हें मिस्टर बीन टीवी शो का भी ऑफर आया, जिस टीवी शो ने उन्हें वर्ल्ड फेमस बना दिया। इनफैक्ट ये टीवी शो तो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इसके कार्टून सीरीज एनिमेटेड वर्जन ऑफ मिस्टर बीन भी शुरू हो गया। एंड ऑफ कोर्स वो कार्टून सीरीज भी सुपर डुपर हिट गया। एंड आई एम श्योर आपने ये कार्टून बचपन में बिल्कुल देखा होगा। मैंने पर्सनली तो बहुत बिंज वॉच किया है। अभी मुझे याद है ऑसवर्ल्ड नाम के एक शो के बाद मिस्टर बीन का शो आता था, दोनों शो को मैं बहुत देखता था। मिस्टर बीन के बाद उन्होंने मिस्टर बीन्स हॉलीडे, जॉनी इंग्लिश स्ट्राइक्स अगेन, माइग्रेट सेट्स अ ट्रैप, डेड ऑन टाइम, स्कूबी डू जैसी कई सारी मूवीज में भी काम किया। लेकिन सबसे ज्यादा सफलता ऑफ कोर्स उन्हें मिस्टर बीन से ही मिली। और लेकिन आप मानो या ना मानो, लेकिन ये मंद बुद्धि से अपने आप को दिखाने वाले मिस्टर बीन असल में बहुत ही शर्मीले टाइप के हैं। और हाँ, आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनके पढ़ाई लिखाई का क्या हुआ, तो सीधी सी बात है, इतना फेम, इतना पॉपुलैरिटी और इतना सक्सेस मिलने के बाद वो वापस से पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए और अपने कॉलेज को और अपने पीएचडी की डिग्री को आधे में ही छोड़ दिए। नंबर 3, इनकम एंड बर्थ। जरा सोचो, बिना एक लफ्ज बोले दुनिया भर के लोगों के पेट में गुदगुदी कराने वाले मिस्टर बीन जी की कमाई कितनी होगी और इनकी संपत्ति या नेटवर्थ कितना होगा। सो भाई, इस मामले में भी मिस्टर बीन बिल्कुल भी कम नहीं है। अपने अजीबोगरीब एक्टिंग के दम पर गिरते लुढ़कते आज वो करोड़पति बन बैठे हैं। और अगर तुम बाय मिस्टेक ये सोच रहे हो कि उनके सिर्फ टीवी शोज या इक्का दुक्का मूवीज से गुजारा चलता है, तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि वो एक अजीब और अनोखे से एक्टर होने के साथ साथ बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ साथ राइटर और डायरेक्टर तक है। और अब मे भी तुम बोलो कि ये बंदा अगर इतना हकलाता है तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बन गया। तो वेल फ्रेंड्स, इसके पीछे भी एक तरह का मिरेकल है। अजीबोगरीब तरीके से बोलने की वजह से हो सकता है उनका बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस हुआ हो, और सरप्राइजिंगली वो बीमारी धीरे धीरे करके क्योर हो गई। Well, अब ऐसा बताया जाता है, बट हो सकता है कि पैसे आने के बाद उन्होंने कुछ इलाज कराया। आपको क्या लगता है, प्रैक्टिस के वजह से या इलाज के वजह से? Anyway, coming back to the point, जब धन दौलत जायदाद की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पैसा रोवन भाई साहब को उनके अतरंगी और आड़े तेरे मुंह बनाने वाले किरदार यानी कि मिस्टर बीन के किरदार से ही मिले। भूलो मत, पूरे 22 इयर्स तक इस शो ने बच्चे जवान बूढ़ो सबको हंसाया है, और इसका एस्टिमेशन ऑनलाइन अवेलेबल है एटलीस्ट 90 करोड़ रुपीस, जो कि मेरे ओपिनियन में इससे कहीं ज्यादा होगा। और अब इसकी सफलता को देखते हुए दो मूवीज और बन गए, एक मिस्टर बीन और दूसरा मिस्टर बीन्स हॉलिडे। अब इन दोनों मूवीज ने बहुत ही तगड़ी कमाई की। मिस्टर बीन मूवी ने 110 करोड़ कमाए और वहीं पर मिस्टर बीन्स हॉलिडे ने 90 करोड़ कमाए। और फ्रेंड्स, ये सारी फिल्में सुपर डुपर हिट थी। इसका मतलब अगर फिल्मों ने इतना कमाया तो सोचो मिस्टर बीन ने कितना कमाया होगा। अब इसके अलावा मिस्टर बीन का खुद का यूट्यूब चैनल भी है, बिल्कुल मेरी तरह, और उसे रोजाना करोड़ों लोग देखते हैं। और हमारे को तो सिर्फ लाख ही लोग देखते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, एक दिन वो दिन आएगा जब करोड़ों लोग देखेंगे। Anyway, coming back to the topic, Rowan Atkinson का खुद का production house भी है, with the name Rowan Atkinson Filmography, और इससे भाई ने लगभग 20 movies, 25 से 30 टीवी शोज और कई सारे commercials भी बनाए हैं। मतलब इतनी कमाई तो वो बस सिर्फ अपनी फिल्मी दुनिया से ही कर लेते हैं। लेकिन उनकी कमाई यहीं पर नहीं रुकती। एक्टिंग, राइटिंग और प्रोडक्शन के अलावा मिस्टर बीन के कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार, पब्स, ये सब के भी मालिक है। वो बैठे बैठे आराम से करोड़ों कमा लेते हैं और अपनी लाइफ लग्जूरियसली जी लेते हैं। और इन सारी कमाइयां यानी रेवेन्यू स्ट्रीम्स के मिलने के बाद उनका नेटवर्थ टोटल कितना होता है? $130 मिलियन यानी कि 948 करोड़ रुपीस। नंबर 4, हाउस एंड कार्स। अब हम लोग जिस मिस्टर बीन को टीवी शो में अपनी चिंदी मिंदी हारी कुंडी ताले वाली कार बहुत ही प्यारी है, तो वही असल जिंदगी में इस कॉमेडी के गूंगे और लेजेंड किंग को
गाड़ियों का बहुत शौक है, और वो भी कोई ऐसी वैसी गाड़ियों का नहीं बल्कि लग्जूरियस स्पोर्ट्स कार्स का। और इसीलिए इनके पास 4 से 5 ऐसी स्पोर्ट्स कार्स है जो शायद ही किसी स्पोर्ट्स के शौकीन अमीर बंदे के पास होगी। वेल, इनके पास है 21 लाख की 1977 मिनी 1000, 3 करोड़ की मर्सिडीज S63, 3 करोड़ की मर्सिडीज बेंज AMG SLS, 9 करोड़ की रोल्स रॉयस, और इन सब के अलावा इनके पास 90 करोड़ रुपीज की मैक्लेरेन F1 है। वेल, जितने गरीब और रोड छाप वो टीवी शो में दिखते हैं, उतने ही ज्यादा अमीर और मालामाल वो रियल लाइफ में है। वेल, फिलहाल वो अपने लंदन वाले घर में रह रहे हैं जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है, लेकिन उस घर के अलावा उनके पास एटलीस्ट 2 से 3 बंगले हैं यूनाइटेड किंगडम में ही, और इनकी कीमत इंडिविजुअली है 100 से 200 करोड़ के बीच में। नंबर 5, पर्सनल लाइफ। अब हम लोग जो बंदा पूरे के पूरे टीवी शो में इधर उधर अकेला ही लुढ़कता फिड़कता रहता है विद नो बीवीज एंड नो बच्चास, उस बंदे के यानी रोवन एटकिंसन के असल जिंदगी में एक नहीं बल्कि 2-2 बीवियां हैं, और एक नहीं बल्कि 3-3 बच्चे हैं। इनकी पहली वाइफ है सुंदर और सुशील सुनेत्रा शास्त्री, जो कि एक इंडियन फैमिली से बिलोंग करती है, और इन्होंने दिए रोवन को उनके 2 छोटे-छोटे बीन्स। मेरा मतलब है बच्चे लिली शास्त्री और बेटा बेंजामिन एटकिंसन। लेकिन अफसोस, साल 2015 में इन दोनों का तलाक हो गया, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उनके जिंदगी में वापस से शादी की शहनाई बजी और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड लुइस फोर्ड के साथ सेकेंड टाइम शादी कर ली, और अब उसके साथ रोवन की एक बेटी है जिसका नाम है इस्ला एटकिंसन। मतलब यार सही है, ऑन स्क्रीन तो बिल्कुल सिंगल मिंगल और ऑफ स्क्रीन तो साला डबल धमाल। नंबर 6, मौत की अफवाहें। अब फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले आई एम श्योर आपने ये जरूर सुना होगा मिस्टर बीन के मरने की अफवाहें काफी फैली थी, और वो भी 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार। कभी डिप्रेशन में जाकर सुइसाइड करने की, तो कभी हार्ट अटैक की खबर, और एक बार तो हद ही हो गई थी जब ये खबर आई थी कि एक स्टंट के शूटिंग के दौरान उनकी मौत हो गई है। वेल, किस्मत से ये सारी खबरें सिर्फ रूमर्स थी, और फिलहाल वो अपने प्रोडक्शन हाउस, होटल्स, बार्स और जहां जहां से हुई उनको कमाई हो रही है, उन पैसों में मस्त टेंशन फ्री होके आराम की जिंदगी जी रहे। सो फ्रेंड्स, ये है मिस्टर बीन यानी रोवन एटकिंसन की रियल लग्जूरियस लाइफ। लेकिन अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे कि आपको रोवन एटकिंसन की स्टोरी में सबसे खास क्या लगा और आपको इसमें से सीखने क्या मिला। कमेंट डाउन बिलो योर आंसर्स, और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन बिल्कुल सिलेक्ट करना, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं कर सके। इस वीडियो को एक लाइक तो बिल्कुल ठोकना यार, लाइक बनता है, मिस्टर बीन के खातिर दे दो यार, मगर दो। और मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।